Good morning guys, day one with the Tiger 900 Rally Pro, and on day one itself, as promised, we are starting our ride towards Manali. So I'm starting today at almost 6:30 a.m. Normally jab Manali ki ride start karte hain, toh I try to start around 4:35 a.m. jisse you know initially speed bane, but aaj late hone ka reason ye hai ki luggage setup karne mein thoda time lag gaya. I didn't have the complete luggage setup with me, toh ek purane saddle bags along with the Rhinox tail bag humne setup kiya bike pe. जल्दी से आपको दिखाते हैं. That's our AGV helmet. एक बैग को हम as a backpack टांगेंगे. इसमें हम अपना SLR रखेंगे, छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान. So pardon me for the low light. This is where I park my Rally Pro in the basement. बाहर की लोगों की नज़रों से बचा के नीचे करता हूँ पार्क. यहाँ पे हमने ये पुराने सैडल बैग्स यूज़ करें, Rhinox टेल बैग. यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा है एक्चुअली दिखाने का फ़ायदा, लाइट बहुत ज़्यादा कम है. सो लेट मी जस्ट टेक द मोटरसाइकिल आउट एंड गेट स्टार्टेड. आपको फिर एक पैरा स्टॉप लेके लगेज सेटअप ठीक से दिखाते हैं क्या किया हमने. लेट स्विच ऑन द डिस्प्ले. वाव, आई एम इन जस्ट ऑ इन लव विद दिस TFT स्क्रीन. एकदम प्रीमियम फील देती है, मज़ा आता है. गुड मॉर्निंग टाइगर. या गुड मॉर्निंग, एंड वी आर ऑल सेट. आ जा टाइगर. ओहो क्या बात है, क्या क्या बात है. भगवान की दया से आज जो वेदर फोरकास्ट है इज लाइक क्लियर. सो टुडे आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक द एक्सप्रेस वे, क्योंकि मैं चलान वलान कराने के कुछ खास मूड में हूँ नहीं. एंड इसी तरह हमारी राइड की शुरुआत होती है गाइज. एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है. तो वी आर राइट नाउ ऑन द नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे. एंड आज ना काफ़ी सारा टाइम ऐसे ही निकलना है, जस्ट क्रूज़ करते हुए लिटरली. 96 km/h, 3750-60 rpm पे हैं हम. क्रूज़ कंट्रोल इज़ ऑन. यू सी दैट ग्रीन साइन दैट सेज सेट एट 96. सो ये चल रहा है भाई लोगों. एंड इस क्रूज़ कंट्रोल का ना मज़ा ये है कि 96 पे तो सेट है भाई. मैं थोड़ा सा थ्रॉटल दे रहा हूँ इस स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि 100-110 पे हम क्रूज़ कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि क्रूज़ आपका हट जाएगा. अगर आप इसको वापस थ्रॉटल को छोड़ो, इट विल कम डाउन एंड सेट टू सेटल डाउन ऑन द 96. ये है फन प्रीमियम फीचर्स का. सो हाउ आर यू गाइज लाइकिंग दिस होल व्यू, द कैमरा एंगल, द व्यू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ये जाली है मेरे यार, इस रोड पे आके यही वाला गाना याद आता है, क्योंकि ये जो ओल्ड दिल्ली के स्ट्रक्चर्स हैं मस्त लगते हैं. वाओ, ये दिल्ली की सड़कों पे बाइक भगाने का ना कभी कभी इतना ज्यादा मजा आता है कि हाईवे वाला मजा भूल जाता हूं मैं. खुली सड़कें, सुबह का टाइम, परफेक्ट मॉर्निंग राइड गोइंग ऑन. वाओ, इतना ना फ्लैट स्ट्रेचेस ऑफ रोड पे भी मज़ा नहीं आता. जैसे यमुना एक्सप्रेस वगैरह जाओ ना, थोड़ी देर बाद बोरिंग लगता है कि साला कुछ राइट लेफ्ट तो लेना नहीं है, बस सीधा सीधा चलना है. कब तक चलेंगे यार, बुढ़ापा सा फील होना शुरू हो जाता है. बट इन दिल्ली की सड़कों में एक अलग सी वाइब आती है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मेरी बात से एसोसिएट कर पाओगे. मुंबई में रहते हो तो आपको नहीं वो कनेक्शन फील होगा. दिल्ली एंड मुंबई आर पोल्स अपार्ट, एंड वहाँ के लोगों का ना आपस में वो अप्रिसिएट नहीं कर पाते एक दूसरे के सिटीज़ को, मैंने मोस्टली ये देखा है. तो व्हाट स्टनिंग ब्यूटीफुल माउंटेन्स, व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी यार. वहाँ पे जो ट्रक्स भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े होटल्स बने हैं लगता है इस जगह पे. दिमाग ख़राब करा हुआ है कचरों वाले पहाड़ों ने, देख देख के पूरी लैंडस्केप की पता नहीं क्या करी हुई है यार. टू हाउ निम्बल दिस मोटरसाइकिल फील्स, मतलब एक बार भी नॉट इवन वंस आई हैव टू थिंक बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मैनूवर. एवरीथिंग इज बैलेंस्ड सो ब्यूटिफुली. टोल वोल का क्या करना है हमसे लेके, तुम लोगों को रेस्ट करते हैं थोड़ा सा सैडलिंग करके. ये सैडलिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे इसके बिना मज़ा नहीं आता राइड करने में. अब इधर ऑफ रोड नहीं है, मैं सैडलिंग इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट टू गिव माई सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ अ रेस्ट, बम्स को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए टू बी वेरी प्रिसाइज. बाइकर्स ऑन देयर बुलेट्स, ऑल सेट फॉर लद्दाख, फुल्ली लोडेड
वाह क्या बात है, हम भी जाएंगे होपफुली। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, गुड जॉब। ये सारे ट्रक एक लेन में क्यों नहीं चलते, मुझे समझ ही नहीं आता। पूरी की पूरी रोड की ऐसी की तैसी करी हुई है इन लोगों ने यार। Loads of bikers, enfielders I should say, all set to ride to Ladakh. Two more meteors, the Meteor 350s being ridden by ladies. Wow, biking is picking up big time. So आ गए हैं हम the Great Khali ढाबा पे। The Great Khali ढाबा पे आपका स्वागत है भाइयों, आ जाओ। ओ भाई ऐसा लग रहा है ये तो live like a king समझ गया मैं, बट ये तो रिंग वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। सो लेट अस गो इनसाइड एंड सी कैसा बना है ये ढाबा, है क्या है लाइक। ये तो प्रॉपर रेस्टोरेंट वाली फील है, अच्छा खासा सीटिंग एरिया है एंड वहाँ पे बीच में देखो तो एक रिंग बना है जहाँ पे बैठ सकते हैं बीच में, उधर पेड चार्जेस हैं बैठने के। मैंने एक लस्सी ऑर्डर करी है अभी फ़िलहाल एंड अभी मतलब ज़्यादा लोग नहीं है। वट आई गॉट टू नो, आई थिंक यू वुड हैव ऑल्सो हर्ड कि अगर इधर 12 बजे के बाद आएँ तो खाली साहब जी मिल सकते हैं, द ग्रेट खाली से मिलने का मौका मिल सकता है। बट ओवरऑल देखो जगह ह्यूज है, ऐसा लगा है मतलब ढाबा नहीं कह सकते, इसे प्रॉपर ऑसम रेस्टोरेंट कह सकते हैं। सो ये फ्रेश लस्सी ली है हमने, ज़्यादा मैं कुछ खाना नहीं चाहता क्योंकि ज़्यादा खाते ही नींद आना शुरू हो जाएगी। अभी टाइम हुआ है 9:26 AM एंड प्रेफरेबली आई वुड वॉन्ट नॉट टू स्टॉप बिफोर द राजपुरा हवेली, यहाँ पहाड़ों की स्टार्टिंग तक, तो आई थिंक वहाँ तक अभी 2 घंटे तो मिनिमम लगने हैं। सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर शॉर्ट ब्रेक एट द ग्रेट खाली ढाबा। ऑफकोर्स द स्केल इज मैग्नानिमस लाइक द खाली हिमसेल्फ। नाउ लेट मी शो यू वॉट सॉर्ट ऑफ लगेज सेटअप आई हैव यूज्ड ऑन द 900। एक्चुअली इट इज़ जस्ट डे 2 ऑफ गेटिंग द मोटरसाइकिल आउट ऑफ द शोरूम एंड यू कैन सी फुल्ली लोडेड लग रही है। आई डिडंट वॉन्टेड टू लुक यू नो गेट लोडेड विद सच डर्टी सैटल बैग्स, बट एज अ नेम सजेस्ट दीज आर फ्रॉम डर्ट सैक। सो दीज सैटल बैग्स वर विद मी फॉर सो दीज सैटल बैग्स हैव बीन विद मी सिंस 2019 जब मैंने सोमरेरी की राइड करी थी। यार एक गाने कहाँ से चल गए पंजाबी इतनी तेज। सो भाई गाने चल गए, पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी, बट सिर बता देता हूँ, बार बार नहीं रुकूंगा। डर्ट सैक, फ्रॉगमैन सैडल बैग्स, राइनॉक्स का टैंक बैग 50 लीटर एंड फुल ऑन लोडेड है सामान। आई थिंक द ओनर्स ऑफ द ग्रेट खाली रेस्टोरेंट, आई थिंक द फोक्स मैनेजिंग द ग्रेट खाली रेस्टोरेंट हैव गॉन बिजर्क, इतनी तेज़ पंजाबी गाने चला दिए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे कुछ। बट एनी वेज लेट अस गेट स्टार्टेड बैक ऑन द राइड। थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया, जगह थोड़ी सी स्पेशल थी ना इसलिए। आओ डिस्प्ले में भाई सारी दुनिया जान की चीज़ें आ गई। यस 194 किलोमीटर्स इन 2 hours 24 minutes ऑफ राइड टाइम। अंबाला इज 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। कुछ लोग ना यार गाड़ी वाले मेरे को समझ नहीं आता, उनको ना बड़ी बाइक देख के एक अलग सी एक्साइटमेंट सी होती है, इससे आगे निकलना है, इस बाइक वाले से आगे निकलना है। भाई बाइक वाला कैसे हमसे तेज़ निकल रहा है, फालतू की पैं 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 करते रहते हैं बैठ के। अब ये जैसे मेरे राइट में एक XUV 500 वाला बंदा है, फालतू की पैं 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 पैं, अच्छा बंदी चला रही है फिर भी इतना चोचला, भाई ज़्यादा ही हो रही है। अंबाला अंबाला आ गए अंबाला, नींद खोलने के लिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप बात को समझो, ये मत सोचना पागल हो गया बाइक चलाते हुए, चिल्लाना पड़ रहा है, अपनी एनर्जी लेवल को अप करना पड़ रहा है क्योंकि धूप जब सर पे पड़ रही है ना तो नींद आना शुरू हो रही है। वो बीलियां मार ले पैन दे। अब यार ये आवाज़ की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं इंस्टा पे रील्स डालता हूँ जो उसमें मेरे को रेगुलरली एक टाइप का कमेंट आता है एंड मुझे ऐसा नहीं लगता, आप लोग मुझे बताओ। वैसे मे बी शायद रिकॉर्डेड वॉइस अगर कोई थर्ड पर्सन सुनता है तो उसे पता लगता है कि किस टाइप से किस चीज़ से रिजेंबल कर रही है वो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि योर वॉइस रिजेंबल्स धोनी। भाई मतलब मुझे ऐसा तो नहीं लगता, पिछली मैंने एक रील डाली थी विच वॉज क्रश्ड अ स्नेक ऑन अ राइड, तो उस रील पे काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए दैट धोनी हैज स्टार्टेड ब्लॉगिंग, धोनी आफ्टर रिटायरमेंट विल डू दिस,
योर वॉइस रिजेंबल्स धोनी, मुझे ऐसा नहीं लगता, दैट इज आई डोंट थिंक सो माय वॉइस इज एनीवेयर यू नो सिमिलर टू धोनी, बट आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या यार, पता नहीं क्या सीन है। सो इस पानुर खरर कॉरिडोर में देर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड स्पेशली एट दिस टाइम आई एम क्रॉसिंग दिस एरिया एट वॉट 10:30 AM, 10:50 AM आई शुड से, लोड्स ऑफ ट्रक्स, लोड्स ऑफ व्हीकल्स, नो डिवाइडर, इट रियली टेस्ट योर पेशेंस बिकॉज people are entering your side of the road easily without you know thinking even one time, kahin bhi kisi bhi lane mein ghusa lo. Oh my god, sheeps, aage sheeps in front of the tiger. Hat jao. फुल कर दो, निकाल समय आराम से निकालना है, इस पे छीटा ना गिरे, ठीक है। सो टैंक इज फुल एंड लेट्स गो। 285 किलोमीटर्स डन टिल नाउ इन 3 hours 34 minutes, सो 80 की एवरेज स्पीड ही आ रही है अभी, एंड अब इससे कम ही होगी यार, इससे ज़्यादा तो क्या ही बढ़ेगी। मतलब रॉन्ग राइड पे हो आप और ऐसे बम्पर टू बम्पर सब्जी मंडी के जैम में फंस गए हो, दिस इज लाइक द वर्स्ट नाइटमेयर। लॉन्ग राइड पे सब्जी मंडी का जैम, कैन यू इमेजिन दैट, हो क्या रहा है भाई। सो निकल गए हैं जैम के बाहर एंड अब प्रॉपर डिवाइडर वाली रोड आ गई है। गुरुद्वारा साहिब क्या चमक रहे हैं इस समय, गोल्डन वाइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ब्रांड न्यू आई गेस। वी कैन ऑलरेडी सी द माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ अस, द टाइगर इज रेडी टू गो टू द माउंटेन्स फॉर इट्स फर्स्ट राइड। हट जाओ भाई। सो गाइज, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर ऑलमोस्ट देयर एट कीरतपुर, जस्ट अबाउट 2 kilometers फ्रॉम हेयर एंड देन वील स्टार्ट द माउंटेन्स। सो एज आई वॉज टेलिंग यू, अभी जस्ट 10 minutes लगेंगे यहाँ से कीरतपुर पहुँचने में एंड दिस इज़ अ ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द माउंटेन्स। ये एक दूध वाले की गाय की बड़ा सा पिकअप ट्रक खड़ा है एंड इसी पे हमने अपना सामान सारा रख दिया, बाय द वे हेलमेट जैकेट एंड द बैग छाया में है, सो दिस इज प्रीटी गुड एंड दिस इज हाउ द टाइगर इज डूइंग, इट्स लुकिंग गुड यार, ब्रांड न्यू शाइनिंग एंड द कलर ऑफ दिस क्रैश गार्ड इज समथिंग दैट आई एम लाइकिंग नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द शॉक्स लुक जस्ट प्योरली अमेजिंग। चीनी कितनी डाली इसमें, चीनी डाली थोड़ी सी, अच्छा फ्रेश है। सो बैठ के अब थोड़ा सा जूस पीते हैं यार। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो आई थिंक यू वुड हैव सीन के अभी तक मैंने कुछ सॉलिड नहीं खाया है, एवरीथिंग हैज़ बीन जस्ट लिक्विड दैट। आई थिंक द फर्स्ट ब्रेक पे हमने खाली वाले ढाबे पे लस्सी पी थी, उसके बाद एक स्ट्रॉबेरी जूस पिया, कहाँ पे था वो, खरर के आसपास, एंड देन द मौसमी जूस, तो जूस वूस पी के बस फायदा ये है कि थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है, हैवी नहीं होता पेट एंड दैट इज़ व्हाट यू एक्चुअली नीड ऑन लॉन्ग राइड। अब रास्ता तो सेम ही है, हर बार आप आई थिंक देख चुके हो दिल्ली मनाली का, इसमें कुछ नया तो है नहीं। होपफुली आज अगर टनल्स खुली मिलती हैं तो कीरतपुर से कुल्लू तक का रास्ता शुड बी लाइक 3-3.5 hours मैक्स, अगर नहीं मिलती तो 5-5.5 घंटे लगने हैं, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट लॉन्ग हॉल।